तुम सब की वजह से होटल की बदनामी हुई है। 20 लोग दूषित खाने की वजह से अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे सच सच बताओ, वो शाही कोरमा किसने बनाया था? मलिक सर प्लीज। किसने? सर शांत हो, मैं देखता हूं। इशरा सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि मसाले की प्रॉब्लम है। ये नया कुक विजय है ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। खुंदन मैं झूठ क्यों बोल रहे, वो मसाला तो आपने पीस के मुझे दिया था ना। साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो कल रात को हुआ। आज के हर पेपर ने हमारे किचन की बुराई की है। शेफ प्लीज, आप उसी को कहिए जिसने वो शाही कोरमा बनाया था। शाही कोरमा योगिता ने बनाया था। बनाया किसी ने भी था, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी थी। आप के ना सुरजेकर। यस सर। मिस्टर मलिक का फोन आया था मुझे आज, वो चाहते हैं तुम यह नौकरी छोड़ दो। लेकिन शेफ ये, आई एम सॉरी, अब से इंडियन सेक्शन का इंचार्ज मिश्रा होगा, तुम नहीं। ऐसे ये मिश्रा है कहाँ? तो गया क्यों नहीं? अरवाल, मिश्रा कहाँ है? सर मुझे क्या पता कि कुंदन कहाँ पर है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? कल के हादसे के बाद सबसे पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। लगता है मिश्रा को नौकरी प्यारी नहीं। ये तुम सबके लिए लास्ट वार्निंग है। लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मिश्रा कहाँ मर गया? शिफ, मेरे को लगता है कि फोन फ्रीजर में बज रहे हैं। फ्रीजर में फोन? क्या कल रात मिश्रा वहीं भूल गया? देख सर, चेक करो। ये कैब भी तेरी है सुखदेव। लेकिन सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। सुंदरराज, पुलिस को बुलाओ। हेलो जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो हेलो, कमाल है, मिस्टीरियस लेडी। नाम पूछा तो फोन बंद कर दिया। कहती है इंडियन अंगारा रेस्टोरेंट के कोई रसोईया है विजय, उसे अपने सहकर्मी की हत्या के आरोप में फंसाया गया है। सर आप मेरा केस लड़ेंगे? इतने बड़े वकील हैं और मेरा केस लड़ेंगे? सर मैं तो सोच भी नहीं सकता। सर जैसा लग रहा है कि जैसे भगवान स्वर्ग से उतर के मेरे लिए आए हैं। अरे बस बस, थैंक यू सर। बस बस, देखो सुखदेव, सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। सच सच बताओ सुखदेव,
कुंदन को तुमने मारा या नहीं? नहीं सर, मैं सच कहता हूं सर, मैं अपनी स्वर्गवासी मां की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा सर। Your Honor, अंग्रेजी में एक saying है, too many cooks spoil the broth. यानी कि जब एक ही डिश में 10 लोग चम्मच घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो डिश खराब हो जाएगी। और उस रात रेस्टोरेंट का शाही कोरमा भी कुछ ऐसा ही खराब हुआ कि रेस्टोरेंट के 20 गेस्ट को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। और उसके बाद शुरू हुआ किचन में द ब्लेम गेम, यानी कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला। Your Honor, ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि मिस्टर सुखदेव की तौहीन थी, अ सीरियस इंसल्ट। सुखदेव जो 8 साल की उम्र में टीचर के हाथ से केन खाने की वजह से इतने नाराज थे कि उन्होंने भरे क्लासरूम में अपने उसी क्लास टीचर के सर पर पत्थर दे मारा। और अब क्योंकि सुखदेव बड़े हो गए हैं तो उनका जवाब भी बड़ा हो गया। मिस्टर आनंद, मुझे ये बताइए कि उस रात बहस के बाद जब सब चले गए तो किचन में कौन बाकी रह गया था? किचन में लास्ट तक विजय और कुंदन रुके हुए थे क्योंकि शेफ ने उन्हें सफाई की पनिशमेंट दी हुई थी। इस पनिशमेंट का डबल पनिशमेंट दिया मिस्टर सुखदेव ने मिस्टर कुंदन मिश्रा। जब वो उन्हें डीप फ्रीजर में ले गए और वहां पर इस बट्टे से उनके सर पर पीछे से वार किया और उसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें वहां पर लॉक करके आ गए, जहां पर मिस्टर मिश्रा हाइपोथर्मिया यानी कि ठिठुरती गहरी ठंड की वजह से मर गए। वो मैं बस मिस्टर सुखदेव, मैं क्या कर रहे हैं? क्या ये वही सिलबट्टे का बट्टा नहीं है जिसे तुम अपने रेस्टोरेंट के किचन में रोज इस्तेमाल करते हो मसाला कूटने के लिए? इस बट्टे पर न सिर्फ मरहूम कुंदन मिश्रा के खून के थप्पे हैं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के निशान भी। और फ्रीजर के अंदर कुंदन मिश्रा की लाश के पास हमें आपकी शेफ्स कैप भी मिली। आप मुझे ये बताइए कि वो वहां पर कैसे पहुंची अगर आप वहां पर नहीं थे? सुखदेव, कैदी सर, इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये कैप मेरी ही है और ये बट्टा भी मेरे ही वर्क स्टेशन का है, यहां तक कि इस पर लगे हुए उंगलियों के निशान भी यही है। अब और क्या कहूं मैं? ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, निशान लगाए भी जा सकते हैं, सुराग छोड़े भी जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा की कलम रुमाल द्वारा उठाकर अदालत की दीवारों पर चित्र बनाकर कलम को वहीं छोड़ दूं तो इस अपराध के लिए प्रोसिक्यूटर साहिबा पकड़ी जाएंगी। मिस्टर पाठक, लिखावट से याद आया कि उस डीप फ्रीजर की जमीन की बर्फ पर मिस्टर मिश्रा ने खुद अपने हाथों से एक नाम लिखा था, सुखदेव, यानी कि विजय सुखदेव। तो क्या ये नहीं हो सकता मिस बोस के वो नाम किसी और ने लिखा हो? लेकिन केडी सर, वो हैंडराइटिंग कुंदन भाई की ही है, मैं पहचानता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने सुखदेव, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि वो राइटिंग मरहूम कुंदन मिश्रा की ही है जिन्होंने मरने से पहले खुद अपने हाथों से अपने कातिल का नाम लिखा था, यानी कि आपका नाम सुखदेव। योर ऑनर, कुंदन जी ने मरने से पहले सिर्फ एक नाम लिखा था, सुखदेव, उसके आगे हत्यारा, कातिल, किलर, ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा था, इसीलिए ये आरोप लगाना अनुचित होगा। योर ऑनर, मरहूम ने सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों लिखा? इनके प्रश्न के बदले में एक और प्रश्न योर ऑनर, उस समय कुंदन की जेब में उसका सेलफोन था, क्यों उसने अपने सेलफोन द्वारा मदद नहीं मंगवाई? हो सकता है कि होश आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तो सुखदेव नाम कुंदन ने कब लिखा? बेहोशी में? सर, वो फ्रीजर रूम में शायद मोबाइल का सिग्नल नहीं आता। पागल हो गए क्या तुम? अपने ही विरुद्ध बोल रहे हो।
जब तक मैं ना बोलूं मुंह मत खोलना। योर ऑनर, सुखदेव जी शायद भूल रहे हैं कि कुंदन जी का सेलफोन बजने के कारण ही उनका मृत शरीर दूसरों को मिला था। इट्स अ वैलिड पॉइंट मिस प्रोसिक्यूटर। अगर कुंदन बर्फ में सुखदेव का नाम लिखने के योग्य था तो फिर उसने वही योग्यता फोन से मदद मांगने में क्यों नहीं लगाई? योग्यता से याद आया योर ऑनर, एक ऐसी महिला जो शायद इस केस पर रोशनी डाल सके, मेरी अगली साक्षी मिस योगिता अग्रवाल। योगिता जी, आनंद का कहना है कि उस रात रेस्टोरेंट के रसोई घर में अंतिम रहने वाले दो व्यक्ति थे सुखदेव और स्वर्गवासी कुंदन जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी। आप क्यों रात के 1:30 बजे उस रेस्टोरेंट के रसोई घर में लौट कर गई? क्या नहीं, मैं वापस नहीं लौटी थी। ये झूठ किसने कहा आपसे? झूठ है या सच ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात मुझे सुखदेव ने कही थी क्योंकि इन्होंने आपको वहां लौटते हुए देखा था। योगिता जी, सर उस दिन वहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, शायद कोई और होगा, मैंने ठीक से नहीं देखा था। सुखदेव, तुमने तो अपने कथन में मुझे बताया था कि तुमने वहां योगिता को साफ साफ देखा था, अब झूठ क्यों बोल रहे हो? मिस्टर पाठक, ये सच बोलने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि उस रात इन्होंने योगिता को वहां नहीं देखा था। सर, अब तो खुद सुखदेव ने कह दिया कि मैं वहां पर नहीं थी, तो अब मैं जाऊं? अरे रुकिए ना, इतनी शीघ्रता किस बात की है? आई है तो एक और प्रश्न का उत्तर देते चाहिए। सुना है कि अगले महीने की 9 तारीख को आपका विवाह है। जी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो स्पष्ट है कि आपने अपने किचन के पूरे स्टाफ सहकर्मियों को आमंत्रित किया होगा अपने विवाह में। शायद स्वर्गवासी कुंदन जी को आपने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, कोई खास कारण? जी, वो हमारी आपस में नहीं बनती थी इसीलिए मैंने नहीं दिया। अद्भुत बात है कि जिससे नहीं बनती उसी को आपने उसी रात को जिस रात को उनका देहांत हुआ रात 1 बजे फोन किया था। फोन क्यों किया था आपने? Quiet please. Actually, कुंदन मेरी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कुंदन और मेरे बीच में 1 साल पहले रिश्ता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन कुंदन ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। जब उसको पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ओह, ऐसी अब समझ में आ रहा है मुझे। कुछ तो ब्लैकमेल कर रहा था और इन्हीं धमकियों के कारण आपने उससे बदला लिया, उसे मारकर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं वहां वापस जरूर लौटी थी, लेकिन बस इतनी मिन्नत करने कि वो मेरी शादी में बखेड़ा क्रिएट ना करे। लेकिन जब मैं किचन में लौटी, मुझे लगा कि मेरे आने से पहले कुंदन वहां से चला गया होगा, लेकिन जब मैं मुड़कर वापस जाने वाली थी कि ये वही हल्दी लगा हुआ किचन टॉवल है जो उस रात वहां पर था? जी, पता नहीं क्यों किसी ने इसे फ्रीजर के थर्मोस्टेट पर लगा दिया था। योगिता जी, वो किसी ने इसलिए किया था ताकि जब वो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर 0 डिग्री से -15 डिग्री कर रहे थे तब उनकी उंगलियों के निशान उस थर्मोस्टेट पर ना आए और मिस्टर मिश्रा की मौत जल्द से जल्द हो जाए। पर मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, मैंने नहीं रखा वहां पर। प्रोसिक्यूटर साहबा, ये बताइए कि अगर हथियारा सुखदेव का शेफ कैप लेकर डीप फ्रीजर के अंदर रख सकता था तो इसका ये किचन क्लॉथ लेकर के थर्मोस्टेट पर क्यों नहीं छोड़ सकता था? हाँ, और फ्रीजर का टेम्परेचर मैंने इस कपड़े से थोड़ी ना बदला था, वो तो दूसरा कपड़ा था। आपने अभी अपने आप
यह कबूल किया है कि आपने थर्मोस्टैट का टेम्परेचर चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया? मैं तो बस जीरो से माइनस 15 डिग्री टेम्परेचर आपने इसलिए बदला ताकि मिस्टर कुंदन मिश्रा की मौत जल्द से जल्द हो जाए। वैसे भी उस किचन में किसी आम कुक को फ्रीजर का टेम्परेचर बदलने की अनुमति नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप फ्रीजर का टेम्परेचर बदलने जा रहे थे तो आपने कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए ताकि उस थर्मोस्टैट पर आपकी उंगलियों के निशान न छपे। Am I right? Your Honor, ऐसा भी तो हो सकता है कि रसोई करते समय सुखदेव के हाथ गंदे रहे हों, इसीलिए इसने कपड़े का इस्तेमाल किया। जी हाँ मिस्टर पाठक, इसके हाथ सिर्फ गंदे नहीं बल्कि रंगे हुए थे। मिस्टर कुंदन मिश्रा के खून से रंगे हुए थे। बोलिए बोलिए, आप ही ने कत्ल किया है मिस्टर कुंदन मिश्रा का, बताइए इस कोर्ट को। हाँ मैंने ही मारा उसे। सुना आपने? मैं नहीं मारा उसे, मैंने अपने हाथों से मारा। मेरे बाप ने भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और उस कुंदन हमेशा हमेशा मुझे नीचा दिखाता था, और उस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। उसी दिन मैंने ठान लिया, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जब शेफ हम दोनों को अकेला छोड़कर चला गया तो मैंने, ओए जल्दी से सारा साफ कर दे, सीनियर रूम है तेरा और मैं जा रहा हूँ। कुंदन भाई बोल, ये बहुत भारी है, जरा वो फ्रीजर में रख दो ना प्लीज। इतना सा काम करके थक गया, इतना छोटा सा मटका नहीं उठता तेरे से। मैंने कुछ समय आके कुंदन भाई की जान ले, और आज खुद की भी जिंदगी कांत कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मैं ही कुनी हूं। इस मुकदमे का फैसला अगली सुनवाई में होगा, तब तक लिए अदालत मुलतवी की जाती है। इस तरह नजरें झुकाकर खड़े रहने से
तुम्हारा किया मिट नहीं जाएगा सुखदेव। आप यहाँ पर क्यों आए सर? मैंने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया ना। तो अपना अपराध पुलिस के सामने क्यों नहीं माना? इतना लंबा चौड़ा मुकदमा ही नहीं होता। यही मेरे सामने खड़े होकर अपने स्वर्गवासी माता जी की सौगंध खाकर तुमने कहा था कि हत्या तुमने नहीं की, वो क्या था? वो झूठी कसम थी सर, झूठी थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्षमा करना है या दंड देना है ये अब अदालत का निर्णय है। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है तो अब मुझसे मदद की अपेक्षा मत करना। मैं सिर्फ बेगुनाहों की मदद करता हूं, अपराधियों की नहीं। कांस्टेबल सुखदेव, सुखदेव, कोई आम मर्ज नहीं है, इतना बड़ा ट्यूमर इसके ब्रेन में। हम सरप्राइज के ये अब तक जिंदा कैसे है? लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने सुखदेव की फाइल पढ़ी है, उसके अनुसार तो 1.5 साल से ही अपनी चिकित्सा करवा रहा है। इसका मतलब ये अपनी स्थिति के बारे में जानता था। हाँ सर, हम सब भी चाहते थे। योगिता जी, आप अपना वादा पूरा कीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगा उस चिट्ठी में क्या था। आई थिंक हमें इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा। अगर हम इनका ट्यूमर निकाल सके तो ये बच जाएंगे, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर, किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बताइएगा। सुखदेव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सफल ऑपरेशन के लिए मुबारक सुखदेव। ऊपर वाले ने तो आपको एक और मौका दे दिया, लेकिन अफसोस कानून आपको दूसरा मौका नहीं दे पाएगा और आपकी बची कुची जिंदगी सलाखों के उस पार कटेगी। मिस बोस, सलाखों के किस पार? इस पार या उस पार? मिस्टर पाठक, इनके इकबाल जुर्म के बाद भी आप मुझसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं? हाँ देखिए ना, पूछना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाथों में यहाँ ये पत्र और चेक की फोटोकॉपी है जो मुझे सुखदेव की कोठरी से बरामद हुई। क्या अब भी तुम यही कहोगे सुखदेव कि तुम ही ने कुंदन मिश्रा की हत्या की? सच कहता हूँ, नहीं, मैंने उसका खुद नहीं किया सर। तो फिर कृपया कर अदालत को बताइए कि पहली सुनवाई में इसके विपरीत क्यों कहा था आपने? सर, जब आपने ये केस लिया उसके बाद योगिता आई थी जेल में मुझसे मिलने के लिए, और साथ में लेकर आई थी मेरा टर्मिनेशन लेटर और मेरा आखिरी चेक। उसी लिफाफे के अंदर मुझे एक और छोटा सा लिफाफा मिला और उसमें ये चिट्ठी और ये चेक की कॉपी मिली मुझे, और उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम मिश्रा के कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लोगे तो ये 20 लाख रुपए तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा। तुम वैसे भी मरने वाले हो, जीते जी तो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सके, कम से कम मरने के बाद तो कर सकोगे। आज जो चेक की कॉपी भेजी, कल वो चेक असली होगा। 20 लाख साहब, उस चिट्ठी और चेक की कॉपी ने मुझे हिला दिया। मैं तो बीमारी की वजह से वैसे भी मरने वाला था, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाता? 3 बहनें, 2 छोटे भाई, ऊपर से बीमारी की वजह से 4 लाख रुपए का कर्जा, कैसे चुकाते वो लोग? सड़क पे आ जाते सर। और ऐसे में वो चेक
मेरे नाम के आगे 20 लाख रुपए की रकम। मैं तो वैसे भी मर जाता, लेकिन मेरे परिवार के लिए वो एक जीवन दान से कम नहीं होता सर। बस यही कारण था योर ऑनर कि सुखदेव ने कुंदन की मृत्यु का दायित्व अपने सर लिया। अब ये पत्र और दो ही सुराग है जो हमें असली हत्यारे तक पहुंचाएंगे। मिस्टर पाठक, ये चिट्ठी तो टाइप्ड है, इसे तो किसी भी कंप्यूटर या टाइपराइटर पर टाइप किया जा सकता है, जो खुद सुखदेव भी कर सकता है। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, ये चिट्ठी उसने लिखी है जो मुझ तक इसे लेकर आई थी। योगिता, जज साहब, मुझे नहीं पता कि उस लिफाफे के अंदर ये चिट्ठी और ये चेक की कॉपी कैसे आई और किसने डाली। मैं तो बस सुखदेव को उसका टर्मिनेशन लेटर और चेक देने गई थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं खुद सुखदेव की हमदर्द हूँ। मैं समझती हूँ कि वो बेकसूर है, इतना कि केडी सर को उसका केस लेने के लिए भी मैंने ही कॉल किया था। हाँ, ये तो आपकी आवाज सुनते ही मैं जान गया था कि आप ही थी जिन्होंने मुझे फोन किया था। वैसे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि अपने आप को संदेह की सीमा से हटाने के लिए हत्यारा स्वयं केस लेकर के मेरे पास आया। बहरहाल, ये बताइए कि उस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया था, अपने आप को गुप्त रखना क्यों चाहा? वो इसलिए क्योंकि अगर मलिक सर को पता चल जाता कि मैं सुखदेव की मदद कर रही हूँ, वो मुझे जॉब से निकाल देते और कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, हजारों खर्चे, मैं मुश्किल में आ जाती सर। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है तो सुखदेव को 20 लाख रुपया देना आपके प्रति एकदम असंभव होता। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, 20 लाख मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखे हैं, तो मैं इसको कैसे दूंगी? एक मिनट सर, मैं बताती हूँ कि किसकी करतूत है। शेफ आनंद सुरजेकर की। शेफ आनंद और कुंदन के बीच में बहुत जोर से लड़ाई हुई थी, इन्होंने ही मारा है उसे और इल्जाम लगाकर फंसा दिया सुखदेव को। और हाँ, सुखदेव का टर्मिनेशन लेटर भी मुझे शेफ आनंद ने ही टाइप करके दिया था, उन्होंने ही चुपके से उस लिफाफे के अंदर वो चेक की कॉपी और लेटर डाला होगा। सर, ये योगिता झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है ये लड़की। हाँ, मैंने एक लिफाफा दिया था योगिता को, लेकिन उसके अंदर सिर्फ विजय का टर्मिनेशन लेटर था और कुछ नहीं था, कोई चेक नहीं था। मेरे पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? उल्टा रिश्वत तो मुझे लोग दे रहे हैं। आपको लोग रिश्वत दे रहे थे, कौन लोग थे वो जो आपको रिश्वत दे रहे थे, बताइए। मुझे एक फोन आया था, वो कह रहा था कि वो मुझे 5 लाख रुपए देगा अगर मैं इस रेस्टोरेंट के खाने में जहर मिलाता हूँ, लेकिन मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी, कुंदन ने कर ली थी। ये जो आप स्वर्गीय कुंदन मिश्रा पर आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई आधार है या नहीं? उसने मुझे शराब के नशे में ये बात कही थी। तो अब ये स्पष्ट है कि उस रात खाने में जो प्रदूषण किया गया था वो कुंदन मिश्रा ने ही किया था। ये बात आपने पहली सुनवाई में अदालत को क्यों नहीं बताई? नहीं बताई मतलब, हम मुझे लगा उसका इस केस से क्या लेना देना है, और मैं क्यों खामखा अपना नाम इन्वॉल्व करूं इन सब बातों में, बस यही। अब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं सर? बिलीव मी, मैंने कोई चेक विजय को नहीं दिया है, ना तो मैंने कुंदन का खून किया है। इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहां से आएगी सर? मिस्टर पाठक, ये सही कह रहे हैं, ये 13 आम सैलरी के लोग हैं,
इनके पास 20 लाख रुपए कहां से आएंगे घूस देने के? योर ऑनर, एक व्यक्ति है जिसके लिए 5 लाख 20 लाख इतनी बड़ी रकम नहीं, और वो है इंडियन अंगारा रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर मलिक। दिस इज रिडिकुलस। एक तो उस फूड पॉइजनिंग वाले इंसिडेंट ने पहले ही मेरे रेस्टोरेंट का नाम काफी बदनाम कर दिया है, और अब अपने ही शेफ का कत्ल करके मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम डबल बदनाम करूंगा? हाँ मिस्टर मलिक, और उसका कारण ये है कि आप जान गए थे कि उस रात भोजनालय में जो आपका खाना प्रदूषित हुआ था वो कुंदन मिश्रा ने ही किया था। इसका बदला आपने लिया उसकी हत्या करके। नहीं, मुझे तो अभी पता चला है कि ये सब कुंदन का किया हुआ था। श्योर? बिल्कुल। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि कुछ चेक मैंने न्यायाधीश महोदय को दिया कुछ देर पहले, उसकी ये कॉपी है, इसे पहचानते हैं? जी नहीं। अद्भुत, क्योंकि आपके बैंक ने जो प्रमाण पत्र हमें दिया है उसके अनुसार तो ये उसी चेकबुक का चेक है जो आपको दिया गया था। खाता आपका, बैंक आपका, हाँ चश्मे लगाकर जरा पुष्टि कर लीजिए, आप ही का चेक है या नहीं? हाँ ये चेक तो हमारा ही है, लेकिन मैंने सुखदेव के नाम का कभी कोई चेक नहीं काटा, और 20 लाख का नहीं। नहीं, कहीं कोई कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, इस नंबर का चेक तो हमने, हाँ इस नंबर का चेक हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए निकाला था, 20,000 का टैक्स भरने के लिए, लेकिन मुझे लगता है किसी ने इस चेक की कॉपी बनाई है और उसमें फेर बदल कर दिया है, और फिर उस पर 20 लाख लिखकर ऊपर से सुखदेव का नाम लिख दिया है। योर ऑनर, मिस्टर मलिक सच कह रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास भी इनके इस चेक का रिकॉर्ड है, इसी रकम का 20,000। तो जरा स्मरण करके बताइए मिस्टर मलिक कि ये चेक आपने किसके हाथों में दिया था, वो कौन है जो इस चेक में फेरबदल कर सकता था? वो चेक मैंने, हाँ तरुण, वो चेक मैंने तरुण सुंदरराज को दिया था किसी के हाथों बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। जी हाँ, मलिक सर ने मुझे वो चेक दिया था, 20,000 रुपए का चेक, जो मैंने एज इट इज शिजु वर्गीस को दिया था ताकि नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट आते वक्त तो म्युनिसिपल ऑफिस में जमा कर। आप उसे पूछ सकते हैं? पूछता हूँ सर, शेफ ने मेरे को बिल और चेक दोनों दिया था, और मैंने वो चेक सीधा डिपॉजिट कर दिए, और कुछ नहीं। यानी कि उस चेक का छाया चित्र, उसकी फोटो कॉपी आपने नहीं निकाली, आपने उसमें फेर बदल नहीं किया, और आपने पत्र लिखकर योगिता के कागजों में नहीं मिलाया? हाँ हाँ, आपने किया ये सब? आयू, मेरा मतलब ना सर, मेरा हिंदी थोड़ा वीक, तो मैं सच्ची बोलता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आयू कुरवारे पढ़ा रहे सत्य, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, जब आपका हिंदी व्याकरण इतना मामूली है तो वह इतनी शुद्ध हिंदी में पत्र लिखकर तो संभव ही नहीं, ऐसा तो एक ही व्यक्ति कर सकता है योर ऑनर। मैं एक बार सुंदरराज जी को फिर से कटघरे में आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि वो चेक मैंने बदला, वो लेटर मैंने लिखा? आप तरुण जी देखिए, मिस्टर मलिक ने तो चेक सही बनाया था, उसे वर्गीस जी ने खाते में डाला, बीच में बचे आप। देखिए मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? मुझे क्या मालूम, मलिक सर हो सकते हैं, उनको पूछिए, उनको पकड़िए। मैंने पूछा था उनको, और उन्होंने बताया कि उन्होंने चेक सही सही बनाया था और वो नगर पालिका के खाते में दर्ज किया गया था, जो बात भी सच है क्योंकि इसकी सूची उनके बैंक के पास भी है। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, कोई तीसरा आदमी। अरे तीसरा कैसे, तीसरा तो आप ही थे ना, आप ही बताइए तो तीसरा। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे क्या मालूम, मैंने कहा आपसे मैं कुछ नहीं जानता। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे, आप ही बताइए। मिस्टर पाठक, आप इस तरह से प्रेशर डालकर इनसे कन्फेशन नहीं उगल पा सकते। देखो दिव्यानी, जब मैं, मिस्टर पाठक, इट इज मिस बोस, थैंक यू। ओके, मिस देवयानी बोस, यस, आपको अपने नाम की अगर इतनी ही, ये नया कुक विजय ना, इसी ने मसाला पीसा था सर।
धन्यवाद, आभार मानता हूँ आपका कि जो कड़ी जो सुराग में नहीं ढूंढ पा रहा था वो आपकी बदौलत मुझे मिल गया। अब बैठिए, बाकी का समझाता हूँ। योर ऑनर, एक बात अब तक रहस्यमय थी जिस पर मैं उंगली नहीं रख पा रहा था, अब जाके मुझे वो बात समझ में आई है। मेरे मन में एक प्रश्न था कि अंततः क्यों स्वर्गीय कुंदन मिश्रा ने होश में आने के बाद अपने सेलफोन द्वारा मदद नहीं मांगी, क्यों सुखदेव का नाम उस बर्फ में लिखा। योर ऑनर, विलियम शेक्सपियर कह गए हैं, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, किंतु परंतु इस केस में नाम में ही इस केस का अंजाम है। व्हाट डू यू मीन केडी? विजय सुखदेव, योर ऑनर, नाम और उपनाम। सामान्यता से हम किसी व्यक्ति का नाम वही लिखते हैं जिस नाम से उसे पुकारते हैं, तो फिर उस रात कुंदन ने बर्फ में सुखदेव क्यों लिखा जबकि वो इन्हें विजय के नाम से पुकारा करते थे। ये नया कुक विजय ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। और ये चिट्ठी, इसमें भी विजय और कुंदन का जिक्र उनके उपनाम से किया गया है, सुखदेव और मिश्र। एंड योर ऑनर, उस रसोई घर में केवल एक ही व्यक्ति है जो अपने सहकर्मियों को उनके उपनाम से बुलाता था, गैरवाल, वर्गीस, मिश्रा, सुखदेव, और वो व्यक्ति आप हैं, प्रधान रसोइये शेफ तरुण सुंदरराज। एम आई राइट? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं लोगों को उनके सरनेम से बुलाता हूं तो मैं कातिल हो गया? बर्फ में लिखे हुए सुखदेव के नाम से बड़ा और क्या सबूत होगा सुंदरराज जी? लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से साबित कर चुके हैं कि वो लिखावट तो मिश्रा की थी। बर्फ में लिखावट किसी को भी धोखा दे सकती है, वो लिखावट आपकी है, आपने मिश्रा के अंदाज में वो लिखा था। लिखावट तो मिश्रा की थी, वो इसलिए क्योंकि आपने पहले उसे बेहोश किया और फिर उसकी उंगली पकड़कर लिखा। बेहोश? मिश्रा ने पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ पे लिखा था। आपने उसे बेहोश किया और फिर उसकी उंगली पकड़ी। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि मिश्रा ने पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखा था। आपको कैसे पता कि वो होश में थे? जब मैंने खुद उस बर्फ में सुखदेव का नाम लिखवाया था, आप कैसे कह सकते कि मैं? एक बार फिर से कही। आपने अदालत को ये तो बता दिया कि आप ही ने तरुण मिश्र से जबरदस्ती पूरे होशो हवास में सुखदेव का नाम बर्फ में लिखवाया था, लेकिन उनकी हत्या क्यों, कब, कैसे, कहां आपने की, ये जरा अदालत को बताएं। मिश्रा, वादे के अनुसार खाने में जहर मिलाने के 5 लाख रुपए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इंडियन अंगारा को बंद करवाना चाहता। यस। और इसकी जगह मेरा खुद का रेस्टोरेंट होगा, मेरा खुद का रेस्टोरेंट। मेरे फाइनेंसर्स की एक ही शर्त है कि लोकेशन यही होनी चाहिए। इस हादसे के बाद इंडियन अंगारा को ताला, मेरा रेस्टोरेंट शुरू। मैं तुम्हें हेड शेफ बना सकता हूं। हेड शेफ की बात तो बाद में, फिलहाल मुझे 5 की जगह 50 लाख। क्या पागल हो गए हो? हमारी डील हुई है मिश्रा। आज तक आप झटका देते थे, अब हम झटका दें। सोच लीजिए 50 लाख, वरना मैं सारी की सारी बात मिस्टर मलिक को बता दूं। पर आपका ये रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। उसी वक्त मैंने अंदाजा लगा लिया था, आज नहीं तो कल ये आदमी मेरे लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी करेगा। इसे रास्ते से हटाना होगा, और तभी मैंने एक प्लान बनाया। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ये चिकन ग्रेवी यहाँ किसने छोड़ी? बिगड़ जाएगी। एक काम करते हैं, इसे फ्रीजर में रख देते हैं,
तुम उठाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है सर। मलिक का मुंह बंद रखने के लिए ये फूड पॉइजनिंग केस में किसी ना किसी को बकरा बनाना पड़ेगा। एक काम करो, यहां जमीन पे सुखदेव का नाम लिख दो। उसे क्या फायदा होगा? तुमको तुम्हारे 50 लाख रुपए चाहिए ना, जितना बोलता हूं उतना करो। लिखो सुखदेव। सुखदेव की शेफ कैप मैंने वहां छोड़ा और उसी का डस्टर लेकर फ्रीजर लॉक किया, उसका तापमान गिरा दिया ताकि शक सुखदेव पर जाए। किंतु एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी सुंदर राज, कि इतना फूल प्रूफ प्लान आपने बनाया, उसके बाद आपने सुखदेव को उस पत्र द्वारा 20 लाख रुपए देने का ये क्या 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 चाल थी, ये क्यों चली आपने? जब मुझे पता चला कि सुखदेव का केस आप लड़ने वाले हैं, मैं डर गया। मुझे पूरा यकीन था कि कभी ना कभी आप मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। अरे सुखदेव की बीमारी का फायदा उठाया। मलिक सर ने मुझे जो चेक दिया था, मैंने उसकी फोटोकॉपी निकाली, स्कैन किया, एडिट किया, वो लेटर मैंने ही टाइप किया और बड़ी चालाकी से सुरजेकर के लिफाफे में डाल दिया जो उसने गरवाल को दिया। कुंदन की तरह सुखदेव को भी वो रुपए देने वाले थे ही नहीं। जी नहीं, मैंने सोचा था एक बार सुखदेव गुनाह कबूल कर ले फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। देखिए, आपकी बनाई हुई खिचड़ी में आप खुद ही जल गए। द डिफेंस रेस्ट। यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि कुंदन मिश्रा का कत्ल तरुण सुंदरराज ने किया है, इसलिए यह अदालत तरुण सुंदरराज को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और विजय सुखदेव को बाइज्जत परी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस देवयानी बोस, हाथ तो मिला लीजिए। मत मिलाइए। आजादी की बहुत बहुत बधाई हो और अपने सेहत का ध्यान रखना। अरे सच में सर, वकालत में आपके सामने किसी की भी दाल नहीं गलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा शेफ क्यों ना हो। हाँ, और अगर खासकर दाल में कुछ काला हो तो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।